संकल्प के साथ कि नेहरू की बेटी ही क्यों प्रधानमंत्री रहेगी, इस देश का गरीब कुचला बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री होगा। इस परिवारवाद का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, जिस भ्रष्टाचार का जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे जीवन विरोध किया, और आज एक चाय बेचने वाला सत्ता के शिखर पर इस देश का प्रधानमंत्री है, इस बिहार का सबसे बड़ा घोटाला किया है, और आज उन जिनको घोटालेबाज के रूप में सजा मिल चुकी है, वैसे के पुत्र और जो जीवन भर जिसका विरोध जयप्रकाश नारायण ने किया, उनका तस्वीर और जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर के साथ संपूर्ण क्रांति की बात करना, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। आज भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ केस प्रूफ हो चुका है, जो भ्रष्टाचार का जेल जा चुके हैं, अगर वो लोग संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज बिहार में जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उनसे ज्यादा हास्यास्पद तस्वीर देश में कहीं नहीं लगी हुई। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने अपना एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया था, और 5 जून 1974 को जो वह उन्होंने शुरू किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब है समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना, और आज एक चाय बेचने वाला सत्ता के शिखर पर इस देश का प्रधानमंत्री है, तो यह जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को सच होने जैसा। और वहीं दूसरी तरफ जिस परिवारवाद का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, जिस भ्रष्टाचार का जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे जीवन विरोध किया, जिस उनका एक शिक्षा क्रांति की जिन्होंने बात की कि शिक्षित समाज होना चाहिए, इन तीनों के बिल्कुल विपरीत प्रतीक के साथ जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर जो लगी हुई है, आज संपूर्ण क्रांति के जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनका सर शर्म से झुक रहा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो सपने देखे थे और जो बिहार को गांधी मैदान में जिस संकल्प के साथ कि नेहरू की बेटी ही क्यों प्रधानमंत्री रहेगी, इस देश का गरीब कुचला बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री होगा, आज एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अपना तस्वीर, जो कि स्वयं भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, 23,000 करोड़ के बजट में 10,000 करोड़ का जो चारा घोटाला हुआ, खुद जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा दुखी होती होगी कि उनके शिष्यों ने इस बिहार का सबसे बड़ा घोटाला किया है, और आज उन जिनको घोटालेबाज के रूप में सजा मिल चुकी है, वैसे के पुत्र और जो जीवन भर जिसका विरोध जयप्रकाश नारायण ने किया, उनका तस्वीर और जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर के साथ संपूर्ण क्रांति की बात करना, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और उससे भी हास्यास्पद है, क्योंकि यह संपूर्ण क्रांति दिवस कल मनाने जा रहा है, एक ऐसा पार्टी जिसमें केवल खानदान ही चलता है, दूसरा कोई नहीं चलता है, उनको थोड़ा सा जरूर 5 जून 1974 याद कर लेना चाहिए था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था, उसमें एक ही नारा गूंजा था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, और उस दिन हजारों लोगों ने अपना जनेऊ तोड़ने का काम किया था। आज जयप्रकाश नारायण जी के जोश, उसके पहले केवल समग्र क्रांति शब्द उपयोग होता था गांधी जी का, लेकिन संपूर्ण क्रांति शब्द के जनक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति विचारधारा के जिन जिन बिंदुओं को उस गांधी मैदान के भाषण में कहा था और जिन जिन सपनों को बिहार में देखा था, उन सभी को तोड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, यह उनका सबसे बड़ा अक्षम्य अपराध है। और वैसे व्यक्तियों को संपूर्ण क्रांति की बात करना, मैं यही अनुरोध करूंगा कि अब राष्ट्रीय जनता दल केवल परिवारवाद का लगाए, जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर लगाने से जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा दुखी होती है, उनके लिए वो लोग लगाएं जिनके बाप दादा परदादा सब लोग रहे हैं, तो एक शोभा देगा। आज भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ केस प्रूफ हो चुका है, जो भ्रष्टाचार का जेल जा चुके हैं, अगर वो लोग संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ